हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको राउंड कॉलर नेक डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ फ्रंट पार्ट के गले की मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने चौड़ाई ली है 3 इंच और लंबाई भी ली है 3 इंच। अब इसे हम राउंड शेप देकर मिला देंगे। तो अब हम यहाँ पर बैक नेक की कटिंग करेंगे। उसके लिए भी मैंने चौड़ाई रखी है 3 इंच और लंबाई रखेंगे 1 इंच और इसे भी राउंड शेप देकर मिला देंगे। तो अब हम यहाँ पर कुर्ती के आगे वाले पार्ट में की होल नेक डिज़ाइन बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर बुकरम लिया है और उस पर मैं डिज़ाइन कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लूँगी और इसे कट कर लूँगी। तो अब यहाँ पर इसे मैंने कपड़े पर चिपका दिया है और अब हम आगे वाले पार्ट पर मिडल लाइन ड्रॉ करके उस पर कुछ इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। अब हम यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और इस तरह से छोटे छोटे कट लगा देंगे। अब इसे कुछ इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसके एजेस पर अब हम सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने की होल डिज़ाइन तैयार कर लिया है। तो अब हमें यहाँ पर बैक पार्ट पर चेन लगानी है। तो इसके लिए मैंने 3 इंच चौड़ाई का और 7.5 इंच लंबाई का एक कपड़ा लिया है और इसकी साइड्स को मैंने फोल्ड कर दिया है। अब इसे मिडल लाइन पर रख के कुछ इस तरह से हमें सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से छोटा सा स्क्वायर जैसा बनाते हुए सिलाई लगा दी है। अब इसे हम बीच में से कट कर लेंगे। तो अब यहाँ पर कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए उसके एजेस पर हम सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने चेन ली है और इसे कुछ इस तरह से रखते हुए इसके दोनों साइड्स हम सिलाई लगा देंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर चेन को खोल लिया है और इस तरह से रखना है और सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से बैक साइड पर मैंने चेन लगाकर रेडी कर दिया है। अब हम फ्रंट साइड और बैक साइड को शोल्डर से जॉइंट कर लिया है। तो अब हम इसकी गोलाई मेजर कर लेंगे। तो इस तरह से कपड़े को डबल फोल्ड में पकड़ते हुए इस तरह से हमें पूरा मेजर कर लेना है। तो इसकी लंबाई आ रही है 8.5 इंच। तो इसकी पूरी गोलाई होती है 17 इंच। तो यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड कैनवास लिया है जिसकी चौड़ाई है 6 इंच और लंबाई है 7 इंच। तो सबसे पहले हमें कुछ इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है और फिर इसे मेजर टेप की मदद से नाप लेना है।
और जहाँ पर 8.5 इंच बनता है वहाँ पर हम निशान लगा देंगे और फिर अंदर की तरफ 1 इंच का मार्जिन देते हुए हमें कॉलर ड्रॉ कर लेना है। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो हमने जो कॉलर कट किया है उसे मैंने कपड़े पर चिपका दिया है और इसके एजिस को अब हम फोल्ड कर देंगे। तो अब हम दूसरा फैब्रिक लेके उस पर भी कुछ इस तरह से सिलाई लगा देंगे। तो अब हम अंदर से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे और छोटे छोटे कट लगा देंगे। अब नीचे से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और इससे राइट साइड टर्न कर लेंगे। तो अब हम इस कॉलर को कुर्ती पर अटैच करेंगे। तो कॉलर अटैच हम रॉन्ग साइड से करेंगे। तो इस तरह से हमें रखते हुए उस पर सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर मैंने कॉलर को एक साइड स्टिच कर लिया है। अब इसे आगे की तरफ फोल्ड करते हुए इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। अब हम ऊपर की तरफ भी एक और सिलाई लगा कर इसे तैयार कर लेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।